ठीक है, ये रहा हाइग्रोमीटर। ठीक है, वो बोलेगा इसको डिफाइन करने के लिए, सर दिस इज मेसन्स हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ओके, ह्यूमिडिटी पता चलती है कैसा होती है वो, पहले चाहे पार्ट्स बता दो कैसा लेंगे, और साथ में प्रिकॉशंस आप कंटिन्यू कर सकते हो साथ में, डिपेंड करता है आप कैसा बताना चाहते हो। सर दिस इज मेसन्स हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। सर दिस इज फुल बॉक्स, फुल बॉक्स को बोलते हैं सर, दिस इज स्टीवनसन स्क्रीन या मरीन स्क्रीन बोल सकते हो, मोस्टली पब्लिक स्टीवनसन स्क्रीन बोलती है। ठीक है सर, दिस इज स्टीवनसन स्क्रीन एंड आई सर बिफोर टेकिंग द रीडिंग आई विल मेक श्योर दैट आई हैंग दिस मेसन्स हाइग्रोमीटर टू द विंडवर्ड साइड, और इफ जैसे कि आजकल शिप्स पे दोनों साइड में ऑलरेडी रहता है, इफ आई आई एम हैविंग ऑन द बोथ साइड आई विल टेक फ्रॉम द विंडवर्ड साइड, I'll take the reading from the windward side hygrometer. ठीक है सर, दीज आर लूवर्ड स्क्रीन। ठीक है, लूवर्ड इसका काम क्या होता है, हवा इधर से दूसरी जगह इजिली पास हो सके। ठीक है, तो दीज आर लूवर्ड स्क्रीन, इसकी इसके हिसाब की प्रिकॉशन की सर आई मेक श्योर दैट लूवर्ड स्क्रीन आर क्लियर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दीज आर क्लियर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन सो दैट विंड कैन ईजिली फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, ये इसकी प्रिकॉशन होगी। फिर अंदर सर दिस इज ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, दिस इज वेट बल्ब थर्मोमीटर, दिस इज विक मुस्लिन, दिस इज विक। ठीक है, दिस इज मुस्लिन कौन सा मुस्लिन, ये ऊपर का मुस्लिन, ऊपर का मुस्लिन ये थ्रेड जो है वो थ्रेड विक है, विक है। ठीक है, मुस्लिन ये ड्राई बल्ब वेट बल्ब, ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर वेट बल्ब थर्मोमीटर, दिस इज रिजर्वायर। ठीक है, इसके अंदर रहता है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर डालने का। सर बिफोर टेकिंग द रीडिंग आई विल मेक श्योर दैट रिजर्वायर इज हैविंग इनफ डिस्टिल वाटर, मुस्लिम विक इज नाइसली डिप्ड इन द रिजर्वायर एंड it is nicely attached with the muslin and so that the muslin is wet, muslin wet hai and there is no salt impurity on the muslin and wick. ठीक है, ये आपने इसकी precaution बोली दी थी कि it should be clear from, एक precaution ये थी windward में, second और precaution इसकी I'll make sure that there are no impurities on the thermometer and the mercury thread inside both the thermometer dry bulb and wet bulb is okay and it is not broken. ठीक है, ये इसकी प्रिकॉशन थी। तो इसमें प्रिंसिपल क्या होता है इसका, जब इसमें पानी है ये गीला हुआ फिर विक वो मुस्लिन आगे से भी गीला होता है, तो जब मुस्लिन वेट होता है तो इसमें इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के कारण ये ठंडा होता है, इसमें फॉल होता है टेम्परेचर को, सो देर विल बी बिकॉज ऑफ दैट इवेपोरेशन देर विल बी फॉल इन द वेट बल्ब थर्मोमीटर टेम्परेचर एंड by taking the dry bulb thermometer reading and wet bulb thermometer reading, क्योंकि इसकी different reading हो जाएगी, अभी एक different reading हो जाएगी, जो अगर ये 30 show कर रहा है इसमें अगर fall हो गया suppose 5 degree का तो it will be showing you 25 difference हो गया, and by subtracting both those the difference which अभी जैसे ये केस में तुम लोग को जो मैं example दिया हूँ 5 degree है, तो ठीक है, by taking dry bulb thermometer reading एंड द डिफरेंस, डिफरेंस को बोलते हैं वेट डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब, सो बाय टेकिंग द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर रीडिंग एंड डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब आई विल गो इन द ड्यू पॉइंट टेबल एंड इन ड्यू पॉइंट टेबल आई विल गो ऑन द वर्टिकल साइड, ऑन द वर्टिकल साइड आई विल फाइंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर रीडिंग, ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड आई विल फाइंड डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब। ठीक है, वेयर दे बोथ विल मीट that will be the dew point at that time. ये राइट कौन सा है? तो अभी 5 था। ये ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है। ओके यार, वो ये डिप्रेशन ऑफ वेट बल्ब है। ठीक है, हो गया। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ हाउ यू टेक द टेम्परेचर, हाउ यू टेक द रीडिंग्स। एंड ये मिलेगा कहाँ से ड्यू पॉइंट टेबल, फ्रॉम अगर उसने पूछ लिया, नॉर्मली पूछेगा नहीं सर, फ्रॉम मरीनर्स हैंडबुक चैप्टर 5।
ठीक है। चैप्टर फाइव कौन सा है? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी।